नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ मानी। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों का। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की कुलपति राज्यपाल अनुसुईया उइके विश्वविद्यालय के कुल उत्सव में शामिल हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व बदलते वैश्विक परिदृश्य में विश्वविद्यालयों की भूमिका को समझाया और साथ ही उन पर प्रकाश भी डाला। करना चाहिए, आप हमें बताइए कि क्या ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा क्या डाटा है आपके पास एससी का, एसटी का और ओबीसी का? तो ये सारा तमाम जो जानकारी है इन्होंने दिया, तो इससे हाईकोर्ट ने इस चीज को नहीं माना कि ये इस तरह की जो डाटा है हम इससे सहमत नहीं है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर दौरे पर पहुंची। बिलासपुर के लोकप्रिय कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास के साथ सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस नेताओं ने फूलमाला, आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर कई बड़े कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको रायपुर से, जहां प्रदेश प्रभारी शैलजा आज पहुंची है रायपुर के दौरे पर और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। पूर्व कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे और साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम भूपेश, बैठक में भाग लेंगे सीएम बघेल। दोपहर 3 बजे के बाद रानी तराई पहुंचेंगे सीएम, विकास कार्यों का और साथ ही भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम बघेल। शाम 4 बजे ग्राम सुरपा पहुंचेंगे, बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ग्राम आमालोरी, ग्राम मुरा और साथ ही कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, दुर्ग पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और साथ ही लोकार्पण भी करेंगे। शाम 4 बजे ग्राम सुरपा भी पहुंचेंगे, बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वही खबर बलोदा बाजार के खपरी गांव से है, जहां मवेशियों के लिए लगभग 20 एकड़ के पैरावट में आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि पैरावट से लगे 3 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। साथ ही एक बुजुर्ग महिला धान बेचकर 60,000 रुपए लेकर आई थी, जो कि उसके घर में लगी आग में जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको बलोदा बाजार से, जहां 20 एकड़ के पैरावट में आग लग गई है और आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर अब काबू पा लिया है। जली स्टोरी है, अब जली तो मकान जले है, 5,000 हो गया रही समय। हाँ हाँ, फायर ब्रिगेड के बजे इसे 4 बजे। अच्छा, नाम का है? बालाराम। बालाराम यादव। कौन नाम? कबीर प्रसाद।
अच्छा रहे हैं वहाँ। हाँ तो हाँ हाँ दूसरा आदमी चिल्ले से हाँ हाँ पैसा रखते रहे 60 रुपया 60 रुपया 60 हजार हाँ वो डब्बा भरे रहे हैं डब्बा भरे रहना तो वो डब्बा हजार। गरियाबंद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक शिक्षक ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गरियाबंद से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां एक पति ने अपनी पत्नी को रोड से पीटकर उसकी हत्या कर दी है। साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। रोड से वार कर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये पति शराब के नशे में था और शराब के नशे में रोड से वार करते हुए पति ने अपनी पत्नी पर वार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको गरियाबंद से जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उपस्थित हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसने अपनी पत्नी को बात विवाद के चक्कर में लोहे के रास्ते मार दिया। हमने पूछे क्या बात हुई थी तो बता गाड़ी पीने को लेकर ऐसा हम लोग का पारिवारिक विवाद बना रहता था। इसमें पूछ जाते देखी घटना सत्य तो उसकी पत्नी जन्म बिगड़ी हुई थी मुझसे रफ्तर थी और वह मृत्यु हालत में पड़ी हुई थी। इसमें परिजनों को सूचित करके अपन बुलाया और पंचनामा कार्रवाई किया गया। बाद उसके पीएम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। नई खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन आनंद पैलेस गार्डन दीपगांव में आयोजित किया गया जिसमें खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के 286 बूथों के बूथ प्रबंधक के साथ सीधी बातचीत की गई और उन्हें 2023 और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से ही अपने बूथों को मजबूत करने के मंत्र दिए गए। बूथ प्रबंधक प्रकोष्ठ के जिला ग्रामीण देवास अध्यक्ष रोहित बंडावाला ने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। खातेवा गांव से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता रहे कि ये सम्मेलन का आयोजन दीप गांव में किया गया है। वहीं बूथ प्रबंधक के साथ इस सम्मेलन में बातचीत भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के 286 बूथों के बूथ प्रबंधक के साथ इस कार्यक्रम में सीधी बातचीत की गई है और इस कार्यक्रम के दौरान 2023 और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भी बातचीत की गई और चुनाव को लेकर मंत्र भी दिए गए हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको खातेगांव से जहां बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही 2023 और 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई। देवास जिले का पहला बूथ प्रबंधन कमेटी जो माइक्रो लेवल के हमारे कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन था। आज हमारे नेता राष्ट्रीय सचिव है प्रभारी है श्री दीपक साहब ने अपनी उठाई दी इसलिए मध्यप्रदेश के बूथ प्रबंधन कमेटी के कमलनाथ ने उनका चयन किया और जिन्होंने अभी आए थे सारे वरिष्ठ नेता सीधी बात है कि मेरे जैसे व्यक्ति की विधानसभा में लगभग 13,500 वोटर्स यहां अधिकतर महिलाओं के नाम का उपयोग कर रहे हैं यानी घूमट में वोट डाला है। वहीं महासमुंद जिले में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में जहां एक तरफ धान खरीदी के लिए किसानों का टोकन कटना बंद हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ अब तक 27,299 किसानों से 61 लाख क्विंटल से भी अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। गांव उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव भी निरंतर जारी है और अब तक 48 लाख क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है।
आपको बता दें कि जिले में इस वर्ष 88 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों ने एक युवक के सिर पर हमला किया है और साथ ही घायल अवस्था में अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और एक संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना रायपुर में सामने आई है। अज्ञात लोगों ने युवक पर हमला किया है और युवक इस घटना को लेकर युवक घायल हो गया और अब उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां युवक पर हमला किया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अज्ञात लोगों ने युवक पर हमला कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि युवक घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान के कोटा से 200 किलोमीटर की पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अशोक रजवाल साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को मिल रहे अपार जन समर्थन से प्रभावित होकर कहा कि यात्रा युवाओं को प्रेरित करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा में उन्हें एक नया विजन और अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता मसूरी विधानसभा क्षेत्र से हरू अधिकारी के रूप में उभर कर नाम सामने आने वाले अशोक राजवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। लालवाल जी नमस्कार, आपका हर खबर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आप बताएंगे, हाल ही में आप दिल्ली से लौटे हैं, माननीय गांधी जी के राष्ट्रीय भारत जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होकर उसमें आप शिरकत किए हैं, 200 दिन के बारे में बताएंगे। भारत देश में ऐसा यात्रा, मैं इस यात्रा को ऐतिहासिक बोलूंगा, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगभग 3,500 किलोमीटर का ये ऐतिहासिक यात्रा भारत जोड़ो देश की एकता अखंडता के लिए राहुल गांधी जी का पैगाम पूरे देश में बहुत ही जन समर्थन के साथ, जन सहयोग के साथ जो उनको प्यार इसमें और समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं पर फिर कहूंगा कि ऐतिहासिक है और इस यात्रा से कहीं ना कहीं देश में एक बहुत अच्छा संदेश देकर राहुल गांधी जी सबके दिलों में छा गए। बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में आपके लगातार साल भर से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए काम करने का हम लोगों को समाचार मिल रहा है, समाचार पत्रों में जानकारी हो रही है, इसके बारे में ही थोड़ा सा बताएं। संगठन में आप सभी के आशीर्वाद से मैं जब से लगा हुआ हूँ और जो भी दायित्व मुझे मिलता है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि उस दायित्व को पालन करूँ और इस वजह से मुझे लगातार कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलता है जिसको मैं निभाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। मस्तूरी क्षेत्र के संगठन में आप क्या देखते हैं? संगठन में जो भी मेरे को छोटा मोटा जिम्मेदारी मिलता है वो मैं समय समय पर करते रहता हूँ, इसलिए संगठन की तरफ से भी इसमें प्यार मुझे हमेशा मिलता है। माननीय राजीव गांधी जी का एक बढ़िया संदेश आप लेके आए हैं, उसको आप बताएं। जैसा कि राहुल गांधी जी बोले कि इस नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूँ और ये संदेश पूरा देश के लोगों को दिल को।
वहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर के दौरे पर रही। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा पहली बार प्रभारी बनने के बाद रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस भवन तक कार्यकर्ताओं ने मंच लगाकर उनका स्वागत किया। साथ ही गीत संगीत फूल मालाओं और आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली। रायपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची हैं और साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से जहां कुमारी शैलजा पहुंची रायपुर और सीएम भूपेश बघेल ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नगरसेविका सौ राणीताई संदीप रासकर व नगरसेवक संदीप शेठ रासकर आळंदी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान एआरबी बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसा फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया गिट से। अरे रंगो इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर जहां सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं और साथ ही आपको सीधा ले चलते हैं रायपुर जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं और साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर प्रेम साहित्य टेकाम जी, हमारे मंत्री भाई कवासी लखमा जी, भाई बृहस्पति जी, चिंतामणि महाराज जी, भाई शिशुपाल सूर्य जी, गुलाब कमरो जी, भाई अरुण जी, यशोदा वर्मा जी, मोहित केरकट्टा जी, साथ ही यहां सचिवालय मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से जुड़े अंकित आनंद जी, जिला के कलेक्टर, एसपी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों जो इस भू अर्जन राशि वितरण कार्यक्रम
साथ ही चिटफंड कंपनी जो राशि जिनको वापस दिलाया जा रहा है वो साथ ही उपस्थित हैं, और धारा 6-4 के अंतर्गत राशि जिनको प्राप्त हो रहा है सभी हितग्राही भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, बहुत ही पुराना मामला और जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के समय गए थे तो बहुत सारी बातें जो आम जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से बहुत सारे मामले आते हैं। उसमें एक मामला था कन्हर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय योजना जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश 1996-97 का मामला है और उसकी राशि नहीं मिला था। उसी प्रकार से टाटी आथर जलाशय और चेरा व्यापर्तन योजना और कुरलुड़ी जलाशय ये तीनों 2011-12 का मामला है। 54 किसान हैं और 6,97,49,052 रुपया इनका रुका हुआ था। उस समय बात सभी किसानों ने बात कही, हमारे विधायकों ने, मंत्रियों ने बात की और उसको एक्सरसाइज भी की, कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई और उसका सुखद परिणाम यह आया कि 6 महीने बाद ये राशि का वितरण आज किसान भाइयों को किया जा रहा है। उम्मीद छोड़ चुके थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पैसा मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी है और हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ आपके हितों का ध्यान रखते हुए त्वरित कार्रवाई की और 1996-97 की बात है और आज लगभग 25 साल बाद ये राशि आपको मिल रहा है। उसी प्रकार से चिटफंड कंपनी की राशि जो 146 हितग्राही हैं जिसका 11,49,030 रुपया की राशि आज वितरण किया जा रहा है, ये भी ऐसे साथी हैं जिनके जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई की राशि ये चिटफंड कंपनियों को दिए थे लेकिन वो पैसा लेके भाग गए। पिछली सरकार ने खूब बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग लिया था और लोग विश्वास किए, जब सरकार के लोग इसमें इस कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो लोगों को विश्वास हुआ और अपने पैसे इस चिटफंड कंपनियों को सौंप दिया। स्थिति ये कि चिटफंड कंपनी के लोग भाग गए और लोग नाउम्मीद हो गए थे कि पैसा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।